नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की डेट है 27 सितंबर। तो क्या कुछ घटा कल क्रिकेट के मैदान में और आज कौन से होने वाले हैं प्रमुख मैच, आइए जानते हैं। तो हमारी पहली खबर है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, जिसका तीसरा व अंतिम ओडीआई मैच आज राजकोट में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें, 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है, यानी कि ये मैच सीरीज के हिसाब से मैच औपचारिकता ही होने वाला है। वहीं बता दें कि तीसरे मैच के लिए टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी हो गई है और आज होने वाले मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सूर्या अय्यर और ईशान के फैंस की टेंशन खत्म हो गई हैं। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई की भी सारी टेंशन खत्म हो गई है। सूर्या अय्यर और ईशान, इन तीनों को मौका मिलेगा। बता दें, समीर ठाकुर हार्दिक घर लौट गए हैं वायरल बुखार के चलते, ऐसा हुआ है, और अक्षर पटेल और शुभमन गिल को आराम दिया गया है। ऐसे में कुल 12 खिलाड़ी ही बचे हैं जो कि प्लेइंग 11 में चुने जाएंगे। तो फिर बात की जाए तीसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की, तो इसमें ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन जो मिडिल ऑर्डर की भूमिका निभाएंगे, उनमें रहेंगे विराट कोहली, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहीं एक बार फिर सूर्य कुमार यादव फिनिशर्स की भूमिका में नजर आएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। साथ ही 3 तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ टीम मैदान पर उतर सकती है। वहीं वुमेन्स एशियन गेम्स के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने स्मृति मंधाना के 46 और जेमिमर रॉड्रिक्स के 42 रनों की मदद से संघर्ष करते हुए 7 विकेट पर 116 रन बनाए थे, लेकिन श्रीलंका को मात्र 97 रन ही बनाने दिए। टीम इंडिया की ओर से युवा तेज गेंदबाज टिटास साधु ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। टिटास साधु ने 4 ओवर की गेंदबाजी में महज 6 रन देकर 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं वर्ल्ड कप को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, यदि वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर चाहिए तो सूर्या को जरूर खिलाना होगा। सूर्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकता है। हमारी अगली खबर न्यूजीलैंड वीएस बांग्लादेश सीरीज से है, जिसके तीसरे ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। 70 रनों की पारी खेलने वाले विल यंग मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले हेनरी निकोल्स को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं हमारी लास्ट खबर है इंग्लैंड वीएस आयरलैंड सीरीज से, जिसका तीसरा मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि बेन डकेट ने 78 गेंदों पर 107 रनों की बेबाक पारी खेली। इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की। बिल जैक्स प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। तो दोस्तों, ये तो रही आज की 10 बड़ी खबरें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सियाराम।